सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सारी की सारी मलाई जो है उसका प्रयोग किया हुआ है खाने के लिए और पब्लिक को जो है यहाँ मरने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जिस टाइम 4 लेन का काम शुरू हुआ था, हमने इनको उसी टाइम बोला था, भाई साहब ये रोड नहीं चलेगा, ये तो यहाँ आप देखिए, मैं अभी कुदाली ला के ये वाला जो बीच में इन्होंने पार्टीशन दिया, मैं अभी खोदूंगा, अभी इसके नीचे मिट्टी है। सिर्फ ये क्या करते हैं, मिट्टी डाली, मिक्स मिट्टी, मिक्स बालू, उसके ऊपर से इन्होंने वो कर दिया है, तो ये तो टूटेगा ही। यहाँ देखिए आप, ये हाल देखिए, यहाँ दिखाइए जरा, कहें जितना अभी बाजार नहीं पहुँचते, अगर बाइक में कोई बंदा है तो 10 से पूरा हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ खड्डे हैं, सर्विस लाइन देख रहे हैं आप, कहीं सर्विस लाइन है यहाँ पे, कहीं भी सर्विस लाइन बनाई है इन्होंने, जबकि 4 लेन के साथ सर्विस लाइन जरूरी है। अब एक ही रोड बना दिया, यहाँ से अप भी है डाउन भी है, नया बंदा आएगा वो तो यहाँ कई बार घर चलता है। अब आगे आप फ्लाई ओवर देखेंगे, वहाँ पेड़ लग गए हैं, फ्लाई ओवर लीकेज कर रहा है, उसके नीचे से बंदे जा रहे हैं, वहाँ पानी गिर रहा है, कहीं पे क्रॉसिंग के लिए नहीं है। अब यहाँ से हमारे लोग जाएंगे या तो 1 किलोमीटर उधर जाएंगे फिर इधर आएंगे, यहाँ से कोई क्रॉसिंग नहीं है, कोई ओवर वो नहीं है, ओवर ब्रिज नहीं है, कोई कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने। ये थोड़ी हाँ, हमें बोलते हैं जो NH का साहब आता है वो इस काम को करवाने के लिए आता है, मतलब भाई साहब यहाँ पानी है, वो बंदा मेरे को पता क्या जवाब देता है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी PWD की है। भाई यार ये PWD की प्रॉपर्टी है, जब उस फ्लाई ओवर के पास एक ब्रदर उसके ज़मीन में पानी जा रहा था, वो मिट्टी लगा रहा था इसी रोड में, ये जो ये बोलते हैं कि ये PWD का रोड है, उसने उस बंदे को क्यों रोका? जब ये PWD की ज़मीन है तो NHA का मतलब क्या बनता है कि गांव वालों को काम करने से रोकना इस सर्विस रोड में, जब काम की बारी आती है तब बोलते हैं कि ये रोड NHA के अंडर नहीं है, हमारा काम नहीं है, कंपनी वालों को पकड़ो। भाई कंपनी को काम भी तो NHA ने दिया है, हम लोगों ने थोड़ी दिया है, किसका काम बनता है, किसकी जिम्मेवारी बनती है? इनसे पूछो, डालना मिट्टी डाली है, मिट्टी के ऊपर ही आपको दिख तो रहा है 40 mm नहीं है, 20 mm नहीं है, मोटा डाला यही तो दिख रहा है आपको, जरे नहीं, सिर्फ खाली नहीं 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 बड़े बड़े पत्थर होते थे उसमें, नहीं डाला इसमें बड़े पत्थर, वो कहाँ डालते थे, छोटे छोटे पत्थर डालते, ज्यादा बड़े कुछ भी डालते थे। हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर कि और से लेकर पुंग तक जो है सुंदरनगर का बाईपास बना है, और ये बाईपास जो है जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद तुरंत पहली बरसात में ये चर्चा में आ गया, और चर्चा का जो मेन कारण रहा वो ये रहा कि जो भी इन्होंने काम यहाँ किया था वो सारा का सारा काम जो है धराशायी हो गया और ये पूरी सड़क जो है फट गई। अब क्यों फटी, इस सड़क में क्या डिफेक्ट था, इसके लिए तो हम लोग ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि वर्षा के पानी से ये सड़क खराब हो गई। लेकिन जब कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ही इसकी असली नब्ज को पहचानते हैं कि इस अगर पेट में दर्द है तो वो दर्द इस वजह से है, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि पेट में दर्द है। तो मैं इस रोड के बारे में भी इतना ही कहना चाहूँगा कि ये रोड जो है सब स्टैंडर्ड का बना है, क्यों बना है, इसमें क्या कमी है, इसके लिए आज एक डॉक्टर हम साथ लाए हुए हैं और वो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस प्रकार की सड़कों का अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा डाइसेक्शन किया हुआ है, बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हुए हैं और ये इस प्रकार के सड़कें बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं। मेरा नाम राजकमल है, मैं मंडी में रहता हूँ। जन समाधान केंद्र में हम लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं निःशुल्क। तो आज इस 4 लेन के अंदर हम नौलखा और सुंदरनगर के बीच में खड़े हुए हैं हम इस वक्त, और इस 4 लेन के ऊपर आपको मैं बताता हूँ इसका एक्सपेन। आप 22 जुलाई को सुबह में यहाँ से इस रोड से पहली बार गया और सुनने में है कि ये केवल 2 महीना पहले ये रोड शुरू हुआ 4 लेन पर चल के गाड़ियों के लिए खुला, और 1.5 महीने के बाद जो है इसके ऊपर से चलने वाली गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया प्रशासन ने। कारण क्या है, क्योंकि ये रोड जो है उखड़ चुका है। 22 जुलाई को सवेरे में यहाँ से गया तो ये रोड छोटे छोटे गड्ढे इसमें पड़े थे और उस दिन बरसात की पहली बारिश इसके ऊपर हो रही थी, और 1 अगस्त को मैं वापस आया तो इसके अंदर जो थे गड्ढे पड़ चुके थे। मैं बड़ा हैरान हुआ पहली बार 4 लेन का ये नज़ारा देख करके कि किस प्रकार से NHAI हिमाचल प्रदेश के अंदर ये काम कर रही है। मैं शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार का काम इन रोडों के ऊपर हुआ है, लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। आए दिन जो है यहाँ रोडों के ऊपर हादसे हो रहे हैं, आज हमने अभी आपने देखा कि इसको हाथ से उखाड़ा, हाथ से उखाड़ने पर इस रोड के अंदर जो है मिट्टी निकल रही है,
इसका जो सिस्टम है बिछाने का, हमारे साथ एक जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो जानते हैं कि इस काम को कैसे करते हैं, टेक्निकल आदमी हैं, वो स्वयं यहाँ पर हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया है। मेरा शासन और प्रशासन से सवाल है, सरकार में बैठे बैठे बड़े बड़े नेताओं ने, जिन्होंने पूर्व में जब ये काम शुरू हुआ है, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सारी की सारी मलाई जो है उसका प्रयोग किया हुआ है खाने के लिए और पब्लिक को जो है यहाँ मरने के लिए छोड़ा हुआ है। आज ये रोड कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं, मैंने अभी देखा 3-4 गाड़ियाँ स्पीड से वहाँ से गाड़ी आ रही है और उनको दूर से पता नहीं लग रहा कि बीच में इस रोड को जो है 100 मीटर के लिए 1 फुट गहरा जो उसको खोद दिया हुआ है। तो कितने हादसे यहाँ पर होंगे आए दिन। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज से भी की जागो और भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि आँखें खोल करके हिमाचल सरकार से भी इन रोडों का जो है निरीक्षण किया जाए और जिन्होंने इसके ऊपर घपलेबाजियाँ की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद।